डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को जानने के लिए दिलीप ट्रॉफी अच्छा पैमाना है। इसी से टेस्ट क्रिकेट में आगाज के लिए किसी प्लेयर के लिए दरवाजे खुलते हैं। 20 साल के खब्बू ओपनर यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हैं। इस साल आईपीएल में बेहतरीन बैटिंग करने वाले यशस्वी का फॉर्म दिलीप ट्रॉफी में भी जारी रहा। यहाँ वेस्ट जोन ने यशस्वी की डबल सेंचुरी की बदौलत साउथ जोन को 294 रन से मात देने में कामयाबी हासिल की। यशस्वी ने वेस्ट जोन की दूसरी इनिंग में 265 रन की शानदार पारी खेली। इसके लिए यशस्वी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन यशस्वी ने साउथ जोन की दूसरी पारी की बैटिंग में फील्डिंग के दौरान जो रवैया दिखाया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मैच के आखिरी दिन जब साउथ जोन के रवि तेजा और साई किशोर बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान यशस्वी जायसवाल लगातार रवि तेजा पर कमेंट्स कर रहे थे। रवि ने इसकी शिकायत अंपायर से की, जिसके बाद वेस्ट जोन के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी को समझाया। क्लोज इन पोजीशन पर फील्डिंग करते यशस्वी वार्निंग मिलने के बाद भी ऐसा करते रहे। रवि ने फिर इसकी शिकायत की। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी के पास जाकर फील्ड छोड़कर पवेलियन लौटने के लिए कहा। यशस्वी के बाहर जाने के बाद वेस्ट जोन ने 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग जारी रखने का फैसला किया। यशस्वी युवा टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन करियर के शुरू में ही ऐसा रवैया अपनाना उनके लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।